एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा ब्लॉग्स। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रक्षाबंधन ब्लॉग। आई नो मैं लेट हो चुकी हूँ, लेट नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, पर मेरी थोड़ी हेल्थ ख़राब हो गई थी जिसके कारण मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, पर आज मैं अपलोड कर रही हूँ। तो आज है जब ये वाला क्लिप जो है वो है 11 अगस्त का, जो तब मैं आई थी मंदिर पूजा करने के लिए और घर में मैंने पूजा पाठ जो कुछ देवता के होते वो सब कर लिया था। तो यहाँ पे मैं और मेरी ननद हम दोनों आए थे पूजा करने के लिए। यह मेरी रक्षाबंधन की थाली, सेवई, पूड़ी, सब्जी और इधर भी सब्जी है, दो तरह की छोले की सब्जी है। गाइस यहाँ पे मैंने बनाई है रक्षाबंधन के लिए मिठाई है, जो कि मैंने बनाई काजू कतली। तो सब कुछ मेरा बिल्कुल परफेक्ट है और मेरे से थोड़ी सी गलती क्या हो गई, जब ये गर्म गर्म ही थे तभी मैंने इसको कट कर लिए थे, जिसके कारण ये थोड़े से कटिंग में मुझे प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि पूरे एक साल बाद बना रही हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गई थी, तो इसके कारण बस शेप में कुछ इस तरीके से, बाकी टेस्ट और सब कुछ बिल्कुल वैसा है। और मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, पर मैं आप लोगों के साथ, और यहाँ पे मैंने कलाकंद बनाए हैं। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मिठाइयाँ जो है वो हम घर में ही बना लें, जो ज़्यादा बेटर होगा, बिल्कुल सेफ होगा। तो यहाँ पे मैंने कलाकंद बना ली है और इसको बस कटिंग करना है। और इन दोनों मिठाइयों की जो रेसिपी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, क्योंकि मैंने पहले दोनों की रेसिपी ऑलरेडी शेयर की हुई है। बस ये रही मेरे गन्नू भैया की राखी की थाली। तो मिठाइयाँ मैंने पहले से मंगवा के रखी थी, पर उन मिठाइयों में चींटी लगी, तो फिलहाल एक लड्डू जो कि गन्नू भैया को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये हमारी गन्नू भैया की राखी की तैयार थाली जो है वो तैयार है, तो जल्दी जल्दी हम गन्नू भैया को राखी बांधते हैं। सो गाइस, कुल देवता की पूजा तो मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी, नहीं तो इतनी अर्ली मॉर्निंग टाइम नहीं मिलता मुझे पूजा करने का। और अभी जो है वो मैं सबसे पहले गणेश भगवान को राखी बांधूंगी। जैसा कि आप लोग में से जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन लोगों को पता होगा कि मेरा कोई भाई नहीं है, तो इसलिए मैं पहले मैं नहीं बांधती थी, पहले मैं बहुत रोती थी रक्षाबंधन वाले दिन। तो मेरी बहन ने बोला कि गणेश भगवान को राखी बांध दिया करो। तो कुछ लोग लड्डू गोपाल को राखी बांधते, कुछ लोग गणेश भगवान को। तो कहते हैं कि शादीशुदा औरतें जो होती हैं वो लड्डू गोपाल जो है वो बच्चे के समान होते हैं, तो अपने बच्चे को राखी नहीं बांधते, तो इसलिए गणेश भगवान को राखी बांधना चाहिए। तो मैं यहाँ गणेश भगवान को राखी बांध रही हूँ। और सुबह के 6:15 बजे तक मेरी जो भगवान जी की पूजा पाठ, घर के जितने भी काम थे वो सब मैंने निपटा लिए थे। तो और मेरे घर में रक्षाबंधन बिल्कुल शुभ मुहूर्त पे हो चुका था, क्योंकि 7:30 बजे तक का ही शुभ मुहूर्त था। तो ये हमारी गन्नू भैया को राखी बंध गई है और अब हम गन्नू भैया को मिठाई खिलाएंगे और फिर उनको भोग लगाएंगे लड्डू की और फिर उनकी आरती उतारेंगे। तो बस यही सिंपल सी मैंने रक्षाबंधन से, हमारे गन्नू भैया की राखी बंध गई है। और मैं उस वक्त फूल चढ़ाना भूल गई थी, तभी फूल भी चढ़ा दिए, तो मेरी पूजा जो है वो कंप्लीट हो गई। अब चलती हूँ फटाफट से नीचे। सो गाइस, ये है राखी की थाली और ये इतनी सारी राखियाँ हैं। इधर ऊपर है, अरे इसका बाल नहीं, इसका बाल कुछ दिख नहीं रहा। कान में लगा, कान लगाना पड़ता है। ले ले के, ले ले के।
अच्छा छीटो चावल लेके पहले ऐसे लेके उसको ऐसे चिपकाओ। सो गाइस यहाँ पे मैं जो आवाज़ है वो म्यूट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अपनी भाषा में सब लोग बातें कर रहे, जो घरेलू भाषा होती है घरेलू बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे मैं आवाज़ म्यूट कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे इतने ज़्यादा फनी पंचेस थे कि मैं क्या बताऊँ, अगर मैं अनम्यूट करूँ तो वाकई में बहुत हंसी आई। यार भी इतनी कॉमेडी कर करके राखी बांध रही थी ईशु को, हर बात पे कह रही है इसको टीका लगा रही है, तो कह रही है कि इसके लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ता है। ये देखो कैसे बांध रही है इसका यही एटीट्यूड हमेशा होता है, ऐसा लगेगा जैसे कि ये राखी नहीं बांध रही, बस एहसान कर रही है कि लो हम तुम्हें राखी बांध रहे हैं। और यहाँ पे मेरी जेठानी के बच्चे भी आ गए हैं तो आरवी से राखी बंधवाने के लिए। ये सब लोग 9 से 10 बजे सो के उठते हैं, पर सिर्फ आरवी से टाइम पे राखी बंधवाने के लिए इस टाइम पे आए हैं। और ये देखो सब लोग कितने ज़्यादा खुश हैं, और सब लोग बस इसी तरीके से राखी बंधवाते हैं। मेरे घर में हर साल यही खुशियाँ रहती है, और भगवान से भी यही दुआ है कि हर साल मेरे घर में इसी तरीके की खुशियाँ रहे। बहुत अच्छा लगता है, सब लोग आते हैं एक दूसरे को राखी बांधते हैं। तो पंडित जी से पूछा ना तो बड़ा दिन भर नहीं है, दिन भर 7 बजे तक ही हैं। राखी बांधेंगी और वो जेठानी के जो बेटे आएंगे उनको आरवी सबको राखी बांधेगी। सवा 7 बजते हमारे घर में सबकी राखी बंधा गई थी, फिर सिर्फ बड़ी जेठानी के जो बेटे थे वो चले गए थे गंगा जी, तो जिसके कारण उनको आने में लेट हो गई थी। पर कुछ लोग बोल रहे थे कि 9 बजे तक भी है, लेकिन हमारे पंडित जी ने 7 को भी बोला था कि 7:15 बजे तक ही रक्षाबंधन है। और ये देखो आप ही का लाडली है, इसके लिए कितना करना हाँ बढ़िया से लोली की तरह नहीं जा और आरवी के एक भैया जो है वो अभी आए हैं आरवी के लिए गिफ्ट लाने गए थे। और मैं अभी फिलहाल नाइटी में ही घूम रही हूँ, मैं तैयार भी नहीं हुई थी, फिर इसके पास मैं देख रही थी कि सब लोग राखी बंधवा रहे हैं, तो फिर जाकर मैंने अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया था। फिर यहाँ पे ये देखो चंदन टीका लगा के जेठानी के बड़े बेटे आए हैं, तो उनको सब लोग राखी बांध रहे हैं। ये अभी जस्ट गंगा जी से आए हैं, सुबह लाई है मोती दाना हो रहा था जिसके कारण किसी ने कपड़े तक पहनने नहीं दिए, बस बोला राखी बंधवाओ भैया, बेचारे को ऐसे में ही राखी बांध दिया गया है। बस राखी होते ही फोटो सेशन चालू है। और अब तुम बताओ कब बोला था, आई थी एक दिन बाद है, लेकिन रात में तो बोला था ना। देखी ठीक कर ले, यहां ठीक कर लिए, यहां तो कहीं नहीं ना, हमें कर लियो, हमें कर लियो, यो कर ले हां बुआ साहब वो इतना भी आ यार इस पे क्या ही करें इनका जी। हां जी दो दो डंडा वाला आ गया, ये ठीक दिखा, ये ठीक दिखा, मम्मे के ना पोती है हम, मामा के पुतो है, तीन गो हमरो छेड़ावल है, हम तो बूढ़ी है ये है। जेकरा इतना इतना को माय रहेगा शादी के पहले ही दमाद नाती हो ले जवान देगा। हाँ है ना, तो हम तो यार बा ठीक ही है। सो गाइस उस दिन मैंने फोन उठाया ही नहीं थे इसके बाद, क्योंकि हम लोग 2 दिन से नहीं सोए थे। मेरी जेठानी को कमर का ऑपरेशन हुआ है जिसके कारण सब लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, तो मेरी जेठानी गई हुई थी पटना, तो सबको राखी बंधवाने की जिम्मेदारी मेरी थी कि सबको अच्छे से राखी बंधवा दूँ। तो यहाँ पे सारे बच्चे जो घर के हैं वो सब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये देखो आरवी को गिफ्ट मिला था दोनों भाई की तरफ से, और यहाँ पे आरवी के एक और भाई है जिसको आरवी राखी बंधवा रही है। और यहाँ पे मैंने ड्रेस चेंज करके थोड़ी सी रेडी तो हुई थी मैं, पर मेरा मन था कि मैं रक्षाबंधन वाले दिन थोड़े से अच्छे से रेडी हूँ, पर हमारी जो नींद है वो कम्प्लीट नहीं हो पाई थी जिसके कारण
उतना अच्छे से कुछ भी नहीं हो पाया था, तो यहाँ पे मैंने कुछ वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। और मैं यहाँ पे सब लोग क्योंकि फ़ोटो खिंचवा रहे थे और मेरे ही फ़ोन से सब लोगों ने फ़ोटो खिंचवाए थे, तो मैंने सोचा कि रहने दो, बार बार वीडियो ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी फ़ोटोज़ भी काफ़ी ज़्यादा यादगार बन जाती। एंड सच बताऊँ तो जब मेरी पूरी फैमिली इकट्ठा होती है तो मुझे व्लॉगिंग का बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं आता है। और सो बस यही है मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।